Yeah, but look at these big landlords. DHA, Berriatown, Petro Grade, kya hai? Petro Trade. Inko koi pooch nahi sakta hai. That is before you lordships. Above the law. Or they make the law. Meeting. Look at this. Where do we begin even? ये सब जो कन्वर्जन फीस के चार्जेस लगाए ना इन्होंने 2019 में रूल्स फर्स्ट टाइम बनाए हैं इन्होंने ग्रीन और एग्रीकल्चर की कन्वर्जन के रूल्स जो बनाए हैं। मुझे ये बता दें लैंड रेवेन्यू एड किसको लगता है? एग्रीकल्चर लैंड को लगता है। लैंड रेवेन्यू तहत म्यूटेशन होती है, कौन सी जमीन होती है? बिल्कुल आपकी बात सही है। तो फिर एग्रीकल्चर दूसरा कानून है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, वो अलग आ जाता है। आप एग्रीकल्चर लैंड को आप वो कैसे कर सकते हो कमर्शियल और अर्बन में कन्वर्ट? देयर इज अ प्रोसेस, इज अ वेरी कंबलसम प्रोसेस। एडवर्टाइज करना होता है, ऑब्जेक्शन रेज करना होता है, ये करना होता है। लैंड बंजर लैंड है, वो भी गवर्नमेंट तो उसी लॉ के तहत होती है। वेयर इज द कन्वर्शन बाय DHA? आप हमें रिकॉर्ड दिखाइए कि आपने अप्लाई किया है। या तो ये आपको कहेंगे जी हम Berriatown वाले कहें जी हम ये कन्वर्ट करके लाएं। जी सर ये सुन लीजिए ना सर, कि ये देखें ये हमने कन्वर्ट करवा ली है फॉर कमर्शियल रेजिडेंशियल यूज। फिर आपने खरीद ली, फिर तो आपकी खत्म है जिम्मेदारी। ये आपने खरीद ली एग्रीकल्चर लैंड, तो आप दिखाइए सर हमने आपने कैसे कन्वर्ट किया। सर हमने एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी, इनका मर्जर हुआ एक हाउसिंग सोसाइटी का, वो सोसाइटी की जमीन इन्होंने हमें दी, तो उसके लिए इन्होंने अपने पास टाइटल रखा और जो कि क्लियर था एट द रेलेवेंट टाइम, वो हमने चेक किया। बाकी अगर आपने जो सारी या तो आप अग्रीमेंट उस हद तक रखते तो अलग था, आपने इसको मिक्सअप कर दिया कि तुम जो ये क्या नाम है पेट्रो ट्रेड, तुम जो हमारे लिए जमीने लाओगे ठीक है, अब आपने उनको अपना अपना अपने चीज को कंटेमिनेट कर दिया इन द रेवेन्यू स्टेट ऑफ मुर्गा जराही पता नहीं कहाँ कहाँ, आपने खुद ही खराब कर दिया सारा कुछ। सर वो इसी मौजे में थी ये जो हाउसिंग सोसाइटी थी। माय लॉर्ड इन स्टांस ये है कि ये हाउसिंग सोसाइटी वाज नाइदर हेयर नॉर देयर, एंड इन द सेम ब्रेथ द अदर स्टांस इज कि वो हाउसिंग सोसाइटी थी, उसका प्लान भी अप्रूव हुआ था। अप्रूव नहीं, सो देन दे शुड हैव रिस्ट्रिक्टेड इट टू दैट। वेयर डज पेट्रो ट्रेड कम इनटू द पिक्चर? दे शुड हैव सेड ओके फाइन, then why did the government not directly deal with DHA? Under the cooperative middleman kyun banaya Berria ko? Bhai agar inhi ko dena tha zameen direct inse kar lete sauda, kam se kam logon ki bachat hoti, kam se kam DHA wagaira mein ye hera peri to nahi hoti hai, ya hoti hai wahan bhi? Nahi nahi sir bilkul nahi hoti hai. नहीं होती है ना, तो ये आपसे डायरेक्ट डील कर लेते, आप ले लेते इनसे जमीन, ये बीच में इनके जरिए क्यों आए आपके पास? He is land provider to DHA. पता नहीं क्या चीजें बना रहे हैं, ना किसी चीज का सर है ना किसी चीज का पैर है। बेसिकली सर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट के मुताबिक उसको उन्होंने रजिस्टर्ड किया। हम किसी लॉ स्टूडेंट को दें ये असाइनमेंट, जस्ट पॉइंट आउट ऑल द लॉज दैट हैव बीन वायलेटेड, अच्छी खासी एक थीसिस बन जाएगी उस पर। हम होते हैं केसेस देखते हैं कि एक दो कानून कभी कभी हो जाती है उसकी कोई शिक, तो पूरे पूरे कानून आपने है ही नहीं, परवाह नहीं। वो चीफ मिनिस्टर बादशाह, वो फनाम बादशाह, लेकिन सर हम बादशाहत है हम तक, तो सर इन्हीं के नाम पे म्यूटेट थी जो हमने। आप म्यूटेट से निकलो ना बात को, थोड़ा आप जरा जहन खोल लेना। ठीक है।